घुटनों से रेंगते रेंगते मैं कब पैरों पर कर खड़ा हुआ, तेरी ममता की इच्छाओं में मान जाने कब मैं बड़ा हुआ। और काला टीका दूध मलाई कि काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ यार तेरा प्यार ये फिर कैसा है। और अंतिम दो पंक्तियां कि सीधा साधा भोला भाला कि सीधा साधा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना ही भी हो जाऊं बड़ा माँ मैं तो तेरा बच्चा हूँ, मैं तो तेरा बच्चा हूँ। कि उससे पहले मैं कुछ ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग जैसे लिखते हैं तो मैं भी लिखता हूँ, तो जब मैंने लिखना चालू किया तो एक बार आपको इसी क्रम में बताना चाहूंगा, जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, जावेद अख्तर जी ने कहा कि उनके पिता नसीर अख्तर जी बहुत अच्छे कवि थे, आप लोगों को पता होगा, हालांकि उनको उस दौर में उस तरीके का सम्मान नहीं मिल पाया जितना वो डिजर्व करते थे। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि आप गौर कीजिएगा शब्दों को, कि कठिन शब्दों में लिखना आसान है, कठिन शब्दों में लिखना आसान, ये उनके वर्ड्स बता रहा हूं मैं आपको, कि कठिन शब्दों में लिखना आसान है लेकिन आसान शब्दों में लिखना कठिन है, क्योंकि आसान शब्दों में आप अपने भाव को नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो भाव अंदर छुपे रहते हैं, आसान शब्दों में जो आप लिखते हैं फीलिंग्स आपकी निकल के आती है वो आप नहीं बता सकते हैं। तो इसी क्रम में मैंने कुछ लिखा था कि मुझे नहीं समझ भाषा की कुछ भी, कि मुझे नहीं समझ भाषा की कुछ भी फिर भी कोशिश कर लेता हूं, टूटे फूटे अल्फाजों से लिखने की कोशिश कर लेता हूं, कि मुझे नहीं समझ भाषा की कुछ भी फिर भी कोशिश कर लेता हूं, टूटे फूटे अल्फाजों से लिखने की कोशिश कर लेता हूं, और रसछंद भाव का पता नहीं, कि रसछंद भाव का पता नहीं फिर भी कोशिश कर लेता हूं, कुछ अच्छा लिख पाने की खातिर हर एक बार कोशिश कर लेता हूं। तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए, संचालक के लिए लिखा था, आप लोगों के लिए नहीं, कि कविता इतनी बाचिए कि कविता इतनी बाचिए कि श्रोता जाए डूब, पर इतनी भीवत वाचिए कि श्रोता जाए ऊब। नमस्कार आप सभी को, राम की बात हो गई, अब मैं कृष्ण के लिए कहती हूँ। क्या बात है, कहाँ से लाऊं, कहाँ कहाँ खोजूं मैं उसको, कहाँ कहाँ खोजूं मैं उसको, किसके दरवाजे पर जाऊं, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं जो मेरे चावल खा जाए, कहाँ कहाँ खोजूं मैं उसको, किसके दरवाजे पर जाऊं, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं जो मेरे चावल खा जाए। जीवन की इस कठिन डगर में, जीवन की इस कठिन डगर में दोस्त हजारों मिल जाते हैं, जो मतलब पूरा होने पर अपनी राह बदल देते हैं, हरदम साथ निभाने वाला साथी ढूंढ कहाँ से लाऊं, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं जो मेरे चावल खा जाए। हार सुनिश्चित मालूम थी उसे साथ न छोड़ा दुर्योधन का, मौत सामने आई फिर भी पैरन पीछे हटा कभी का, मित्रों पर जो जान लुटाए कहाँ खोजने जाओ उनको, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं जो मेरे चावल खा जाए। दर्द बयां करने पर आए वे तो साथी कहलाते हैं, मन की बात समझ जाए जो वे ही मित्र कहलाते हैं, जिनसे मन के तार जुड़े हैं किस कोने से ढूंढ के लाऊं, ऐसा मित्र कहाँ से लाऊं जो मेरे चावल खा जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे कृष्ण भक्ति पर एक दूसरी कविता है मेरी, कृष्ण भक्ति। मन तड़पत नयन बरसत मेरे सांवरिया, गई में तरस तुम्हारे दरस को, बन बन में भटकत बावरी, ढूंढत हूँ मैं गली गली, पूछत मैं हारी, राधिकासी चाह मेरी, बन जाऊं मैं तुम्हारी बांसुरी,
बन जाऊं मैं तुम्हारी बांसुरी, रहूं सदा मैं संग तुम्हारे, पालू तुम्हारी चरण रज में, पालू तुम्हारे चरण स्पर्श में। पर श्याम अब तो तरस तरस गई तुम्हारे दरस को, बन बन ढूंढत तीरथ तीरथ, ना मिले तुम कहीं भी मुझको, ना मैं जानू तुम्हारा रहस्य, आई व्याकुल अब छोड़ के माया सारी। श्याम देखियो मन में, तन में श्याम, मन में श्याम, मेरे रोम रोम में श्याम, अब श्वास श्वास में एक रटन, केवल श्याम श्याम। जागत सोवत नयन में बरसत, केवल एक छवि श्याम तेरी मूरत की, श्याम तेरी मूरत की, जान गई मैं रहस्य, जान गई मैं रहस्य। एक कविता मैंने लिखी है साजन के ऊपर, मेरे साजन। मेहंदी की खुशबू से महका, मेहंदी की खुशबू से महका, आज मेरा ये तन मन है, मेहंदी की खुशबू से तन महका, आज मेरा ये तन मन है, कंगन की खनखन से खनका, मेरा सारा जीवन है। सिंदूरी सपने है मेरे, मांग सजा सिंदूरी ये, मन में भरा उमंग है, इतना साथ मेरे जो साजन है। आज गगन के चांद को देखूं, या देखूं मैं साजन को, प्रीत के रस में डूब रहा है, आज मेरा घर आंगन है, आज मेरा घर आंगन है। धक धक करता दिल ये मेरा, धक धक करता दिल ये मेरा, प्यार में तेरे डूब गया, तेरे नाम पे लिख दी मैंने अपनी सारी धड़कन है। साथ कभी ना छूटे तेरा, हर जन्म हम साथ रहे, जन्म जन्म का साथ हमारा, तू ही मेरा साजन है, तू ही मेरा साजन है। आँखों में तस्वीर है तेरी, दिल में छुपा कर रखती हूँ, मुखड़ा देखूं हर पल तुझमें, तू ही मेरा दर्पण है, तू ही मेरा दर्पण है। सांसों की माला पर सिमरू, नाम तेरा मैं हरदम यूं, महके मुझमें तू ही ऐसे, सांस में जैसे चंदन है, सांस में जैसे चंदन है। अभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बीच में कोरोना जब चल रहा था तब मैंने लिखा था अवसाद। गिरा हुआ है मन मेरा, गिरा हुआ है मन मेरा, अवसाद है दिल में छाया, आओ न सखी प्रिय, पल भर करे आराम यहाँ। पथ लंबा है दूर जाना है, जहाँ राह ले जाएगी, माहौल ऐसा डरावना, छाया है हर जगह, फिर भी चलना है हमें, आओ सखी आराम करे पल भर। परिस्थिति वश लोग यहाँ विचलित हुए हैं, सबके मन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, रोते बिखरते बच्चे हैं, चेहरे पर खुशियाँ लाती है, हिम्मत हमको देनी है, हिम्मत उनको देनी है। इस दुनिया में आए हैं हम, नेकी करके जाना है, समय ही जवाब है सबका, फिर भी अवसाद में घिरे हुए लोगों को प्रकाश हमें फैलाना है, आओ सखी अब चले, बात परस्पर करके, हाल चाल सबका पूछे, हाल चाल सबका पूछ कर ढाढ़स उन्हें हम दे दें, ये नेक काम हमें करना है आज, आओ सखी चले, अब बहुत दूर जाना है, लंबा रास्ता काटना है, चलो सखी। ना मैं रखूं प्रतिष्ठा की आस, कि ना मैं रखूं पद की अभिलाषा, और ना मैं रखूं प्रतिष्ठा की आस, निध तुम्हारे चरणन की सेवा में, कि निध तुम्हारे चरणन की सेवा में,
होय जाएगो मेरो जीवन खास। ओ बांके बिहारी सुन लो हमारी, द्वारे खड़ा हूँ शरण तिहारी। ओ बांके बिहारी सुन लो हमारी, द्वारे खड़ा हूँ शरण तुम्हारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। थैंक यू वेरी मच। कवि का परिचय आप पहले दें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है मैम। ओके, मैं राजकोट से भूषित शुक्ल, ये साहित्य अर्पण मंच की तरफ से मुझे यहाँ आपके समक्ष उपस्थित होने का मौका मिला, इसीलिए मैं अभिषेक जी से मैं धन्यवाद करता हूँ और साथ में युवाबेन से भी, युवा मैडम से भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे एक मंच दिया। मैं एक हिंदी कविता से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, हिंदी कविता से मैं शुरू करता हूँ। एक इंसान है, हम अपनी जिम्मेदारी, इस समय ऐसा है कि हम अपनी जिम्मेदारी से में अपने लगे रहते हैं कि दिन भर काम करते हैं, अपने स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है ये कंपटीशन के ज़माने में, तो उसके ये कविता है क्योंकि हम इंसान हैं, उसका शीर्षक है दिन भर काम करते हैं सौम्य से रहते हैं, दिन भर काम करते हैं सौम्य से रहते हैं, कभी हैरान से होते हैं, कुछ सदमों में गहरे रहते हैं क्योंकि हम इंसान। सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अपना सब कुछ खो गया, अपना सब कुछ खो गया, जुदा होकर भी सो गया, खुद से खुद को भर लिया, कभी जख्मों को सह लिया क्योंकि हम इंसान हैं। वो लोग जो कभी मिलते नहीं, मिल भी जाए पर हंसते नहीं, ऐसा जमाना ही ऐसा है कि अपने स्ट्रेस में हम कभी 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 ऐसा होता है कि हम हंस भी नहीं पाते हैं। तो वो लोग जो कभी मिलते नहीं, मिल भी जाए पर हंसते नहीं, उम्र के साथ वो डरते रहते हैं, चिंगारी में वो जलते रहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। तमन्नाओं के साथ निकलते हैं, कुछ हासिल हो गवा भी देते हैं, कुछ हासिल होता है लेकिन गवा भी देते हैं, अपने आप से कोसते रहते हैं और मिला उसी से गुजारा करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। और आखिर में एक पंक्ति है लास्ट में, वो दिन वापस कभी आता नहीं, वो उजाला कभी ठहरता नहीं, हम सुख की ओर बढ़ते रहते हैं, जिंदगी से यूं समझौता करते रहते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। थैंक यू। एक दूसरी भी एक कविता है, ऐसी जिंदगी उसका शीर्षक दिया है, तुम मुझसे बार बार क्यों रूठ जाती हो, मनाता मैं हूँ और बार बार तुम छुप जाती हो। रिश्तों से तो हम एक दूजे के लिए तो बने हैं, साथ साथ एक दूसरे गम के लिए तो दौड़े हैं, सांस रुक जाए मगर तुम मेरे साथ चलती रहोगी, बचपन बीत जाए मगर तुम मेरे साथ खेलती रहोगी, हंसना और रोना कभी तुमने तो सिखा दिया, अपनों से बिछड़ गए फिर वापस तुमने मिला दिया, पतझड़ में तुम आती हो फिर भी बहारों को लाती हो, समंदर में डूब जाए फिर भी किनारे पे पहुंचाती हो, वक्त यूं ही चलता रहा और हम ढलते रह गए, फिर सुबह जाती रही और हम पिघलते रहे, हर रोज एक शाम सोच में चली जाती है ऐ जिंदगी तुम आंसुओं में क्यों बह जाती है, कभी मुस्कुराकर बार बार हमको समझाती है कि चल उम्र बस साथ चले, हाथों में हाथ थाम के कभी ना ये बंधन टूटे ना हमसे तुम रूठे, तुम मुझसे बार बार क्यों रूठ जाती हो, मनाता मैं हूँ और बार बार तुम छुप जाती हो। और हमारी जो मातृभाषा है गुजराती है, એટલે ગુજરાતીમાં લગભગ હું ગુજરાતીમાં પણ વધારે લખું છું, તો એની એક છેલ્લે હું ગુજરાતીમાં એક મારી ગઝલ છે એ એક પ્રસ્તુત કરું છું કે કોઈ ભીંજવીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે,
કોઈ ભીંજવીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે, કોઈ વસ્તીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે. પાણી પાણી મન મજાના થઈ ગયા, પાણી પાણી મન મજાના થઈ ગયા. કોઈ સ્પર્શીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે, ને ધુમ્મસ પણ વરસાદી સવાર બની ગયાનું લાગે, ધુમ્મસ પણ વરસાદી સવાર બની ગયાનું લાગે. સમને થીજીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે, ને મધમસ્ત મોસમ બનીને આવે કોઈ સાંજનું આપ, મધમસ્ત કોઈ મોસમ બનીને આવે કોઈ સાંજનું આપ. હવાને અટકીને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે, ને અતિવર્ષાની પોકળ મજા રહેવા દે ભૂષિત, અતિવર્ષાની પોકળ મજા રહેવા દે ભૂષિત. કોઈ અકળાની અકળાઈને ગયું એ વરસાદનો છાંટો હશે. ધન્યવાદ. आपने बोला कि उसके लिए मैंने एक बार लिखा था कि लाइफ में बहुत कम समय होता है, लाइफ पूरी साइकिल होती है, तो उसके लिए लिखा था कि वक्त यूं ही कटता चला जाएगा, कि वक्त यूं ही कटता चला जाएगा, जीवन यूं ही सिमटता चला जाएगा, खुशी और गम दोनों ही आएंगे, कि खुशी और गम दोनों ही आएंगे, आंखों से पानी बहता चला जाएगा, और दिल पर जख्म, कि दिल पर जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो, घाव धीरे धीरे वक्त के साथ भरता चला जाएगा. और इंसान पैसा सत्ता ताकत, कि इंसान पैसा सत्ता ताकत से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, न जाने एक दिन किन्हीं चार कंधों पर उठता चला जाएगा. तो जिंदगी जीते रहें इसी तरीके से. आप लोग सब प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, कि आप इवाबेन जो है ये गुजरात यूनिवर्सिटी में, आपका गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में इस समय विजिटिंग फैकल्टी हैं, ये मुख्य संपादक और ब्रांड एम्बेसडर हैं देश परदेश इंटरनेशनल मैगजीन जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है, फ्रॉम USA न्यू जर्सी से. आपने 2021 में एक जनवरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑन पैट्रियोटिक सॉन्ग. आप फतम जीवम फरद जी के 73वें जन्मदिवस पर एक PM नरेंद्र मोदी जी के ऊपर 15 सितंबर को एक वो हुआ था, तो उसमें आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है. आप रेडियो रिलाइंग की जो रीडिंग है मन की बात, उसमें भी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करके बैठी हुई हैं. आप साउथ एशिया आइडियल वुमेन अचीवर अवार्ड हैं 2023 की, और स्वामी विवेकानंद नेशनल अवार्ड विनर 2021, नेशनल पीस अवार्ड विनर 2021. आप न्यू मिशन इंडिया गुजरात स्टेट वुमेन प्रेसिडेंट भी हैं, और ह्यूमन राइट्स वुमेन और बाल विकास संस्थान की गुजरात राज्य की प्रेसिडेंट हैं, और एडिटर तो इनको मैं क्या बताऊँ कि अब तक ये मोस्टली उनकी जो जितनी भी प्रवास कथाएं हैं उनका मैं बताना चाहूंगा. मैंने बाद में गूगल पर देखा, इनका बहुत अच्छा है कि जापान प्रवास पर, न्यूजीलैंड की शहर, आध्यात्मिक भूमि भूटान, भीगा सफर, बहुत सारा है. अच्छा वो आपका है, चलिए देखिए मिक्सअप हो रहा है. देखो अच्छा एक चीज है, कभी देखो इतना मतलब सतर्क होता है कि वो देखा कि यार ये तो मेरा है. तो अभी मैं बस इतना ही कहूंगा मैम को बुलाने से पहले कि मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, आप उनके मुझे सुनिए, क्योंकि मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ इस सब उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए. तो मैं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा इवा इनका, वो आए और इस मंच पर हम सबको शुभाशीष देते हुए आज के इस काव्य गोष्ठी का अपने काव्य को प्रस्तुत करें. आज के दिन पावन अवसर पर मैं अहमदाबाद की भूमि पर आपका सबका स्वागत करती हूँ. खास तौर पे आज हमारा जो साहित्य अर्पण गूंज साहित्य सम्मेलन की जो हिंदी पटल है, उसका जो हमने पहला लॉन्चिंग प्रोग्राम किया है, तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है ये कि हम लोग पहले ही बार फिजिकली मिल रहे हैं. तो बहुत तालियां हमारे मंच के लिए बजा दे. ये एक नई शुरुआत है, और शुरुआत जिससे होती है बहुत दमदार परफॉर्मेंस से होती है. तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो अध्यक्ष है उनके लिए भी एक बार तालियां बजाएं. अभिषेक जी बहुत सुंदर नाम, ऐसा ही सुंदर काम और ऐसे ही सुंदर प्रस्तुति कि जो मंच के ऑडियंस को जगड़ के रखे.
सुबह में उन्होंने एक बात बोली थी कि हम कम लोग हैं लेकिन कमजोर नहीं है, बाजादों के लिए एक बात कि आज हम कम लोग इकट्ठे हुए हैं लेकिन हम कमजोर नहीं है, हम दमदार है, हम शानदार है। और हमारी जो गूंज है, हमारी जो कवियों की गूंज है, वो पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर हम शानदार परफॉर्मेंस करने वाले हैं और बार बार ऐसे सम्मेलन करेंगे और बार बार हम नए लोगों को जुड़ते रहेंगे और बार बार हम दिखते रहेंगे, बार बार हम बोलते रहेंगे, बार बार हम कविता सुना रहेंगे, बार बार हम शायराना अंदाज से पेश आते रहेंगे। तो सबको मेरी ओर से सबको अभिनंदन है, सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे अनुरोध पे जैसे भूषित जी आए हैं और राजकोट की इतने दूर से आए हैं, ऐसे ही सोनल जी आई है, बहुत दूर से आई है, तो लेकिन कितने नज़दीक हैं हम लोग। मालिनी जी बड़ौदा से आई है लेकिन हम लोग बहुत ही नज़दीक है, दिल के करीब हैं। तो ऐसे मेरे सब दोस्तों, मेरे साथियों को मैं खूब खूब अभिनंदन देती हूँ आज के ऊपर। और जो हमारा आज का प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम नहीं लेकिन एक पारिवारिक सम्मेलन भी है। अभी अभी हमने देव दिवाली, बड़ी दिवाली भी गई है, तो क्या हमारा एक ये स्नेह सम्मेलन भी है। तो स्नेह सम्मेलन पारिवारिक भावना से मैं आपको सबको नमस्कार और नमन करती हूँ। मेरे लिए जो भी बोला बहुत बोल दिया है, मैं कोई मुख्य अतिथि नहीं हूँ, मैं तो परिवार की सदस्य हूँ और मेहमान सदस्य कभी मेहमान के रूप में नहीं आता है, सदस्य सदस्य है। तो हमेशा मैं आपके सदस्य रहूँगी, ये खुद हमारा मंच है, आपका मंच है, हम सबका मंच है। तो ऐसे तो हम गुजराती में ज़्यादा ही लिखते हैं, मेरे मंच नवसर्जन साहित्य मंच ऐसा मंच है कि ऐसे कोई भी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई मंच नहीं है जो मंच को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हो। तो हमारा नवसर्जन साहित्य मंच के लिए एक बार तालियां बजा दो। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी रचना में बोलती हूँ खास तो कि सिकवा नहीं शुक्राना करना सीख गई, सिखवा नहीं शुक्राना करना सीख गई, तेरी संगत में ये खुदा, तेरी संगत में ये खुदा झुकना में सीख गई, तेरी संगत में ये खुदा झुकना में सीख गई। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रजा में राजी होना सीख गए, अब तेरी रजा में राजी होना सीख गए। थैंक यू वेरी मच। हमेशा मेरी एक दो कली जो लाइन है मेरी फेवरेट रही है, आप सबको भी मालूम है, तो मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है। तो क्या है, हम वही हौसला लेके आज पेश आ रहे हैं और हम सब में हौसला है कि हम ये मंच बहुत ही पॉपुलर बना दे, बहुत लोग सारे हमारे से जुड़ जाए। तो ये डेडिकेट मेरी जो लाइन है आज हमारे मंच के लिए मैंने डेडिकेट किया है। दूसरी मैंने एक मेरी रचना लिखी है स्पेशली आज के दिन के लिए लिखी है कि मैं दीप अवश्य जलाऊंगी हाँ मेरा दीप मेरा नाता है, मैं दीप लेकर प्रतिज्ञा की है कि मेरा फर्ज अदा करूंगी, एक दीप बीमार को अच्छा करने के लिए जलाऊंगी, एक विश्वास का दीप है वो ज्ञान के लिए जलाऊंगी, एक प्रकाश का दीप भूखे निवाले ना मिलने के बेसहारों लोगों के लिए मिलाऊंगी, एक डूबते किनारों का झंझन वाणी का एक मानव की नादानी का स्नेह मानवता का जलाऊंगी, मैं दीप हमेशा जलाऊंगी। दूसरी मेरी एक कविता में आज के दिन के लिए कविता की चाहत, बहुत लिखेंगे कविता
शुरुआत नई नई है, बहुत लिखेंगे कविता, शुरुआत नई नई है, बहुत करेंगे गुफ्तगु, अभी पहचान नई नई है, अभी पहचान नई नई है। कुदरत ने क्या मिलाया, कुदरत ने क्या मिलाया, उड़ने लगे है हवा में, कुदरत ने क्या मिलाया, उड़ने लगे है हवा में, थम के बैठ जा जरा सा, शोहरत नई नई है, थम के बैठ जा जरा सा, शोहरत नई नई है। ना दिन को चैन ना रात को नींद मिलेगी, ना दिन को चैन ना रात को चैन नींद मिलेगी, ये साहित्य अर्पण तू थोड़ा आराम कर ले, फिर चाहत नई नई है, चाहत नई नई है। ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा, लफ्ज कर जरा नरम सा, लफ्ज कर जरा नरम सा, दोस्ती की दौलत अभी अभी मिली है, दोस्ती की दौलत अभी अभी मिली है, ये दौलत नई नई है, ये दौलत नई नई। बहुत लिखेंगे कविता, शुरुआत नई नई है, बहुत करेंगे गुफ्तगू, अभी पहचान नई नई है। हवा के ऊपर लिखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे मेरे नाम हिवा है तो कई लोग उनका उच्चार हवा भी कर देते हैं तो हवा भी बेकसूर है, हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है, हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है, एक को चलना जरूर है, दूसरों को चलाना जरूर है, दूसरों को चलाना जरूर है। गुजराती में बे लाइन छे, आंगणे मतलब डोर ऊपर, आंगणे बिना चरण मुकी गयू, आंगणे बिना चरण मुकी गयू, कोई धबकार वही चुकी गयू, आंगणे बिना चरण कोई मुकी गयू, धबकारो अहीं कोई चूकी गयो, बारणा ने फूटी फूफड़, कोई आवीने सहज चूकी गयो। મારી એક ગુજરાતી કવિતા કહીને પૂર્ણ કરીશ, કારણ કે ઘણા બધા પરફોર્મર છે, બધાને ચાન્સ મળે। કળી ફૂલ બની ફૂલને પૂટી પાંખો, કળી ફૂલ બની ફૂલને પૂટી પાંખો, અને પતંગિયું બન્યું હવા, એને ઉડવાની મના કોણ કરે, એને ઉડવાની મના કોણ કરે, પવન સાથે એ છોડે છોડે ઉડે છે, કોણ પતંગિયું, પવન સાથે એ છોડે છોડે ઉડે છે, એને ભેટવાની મના કોણ કરે, પતંગિયું છોડે છોડે ઉડે તો કે ભેટી લે છે, તો કે એને ભેટવાની મના કોણ કરે, દીવડાની જ્યોત બની રાખ ને એને પાંખો ફૂટી, રાખને પાનો પાંખો ફૂટી, કે દીવડાની જ્યોત બની રાખ અને એને પાંખો ફૂટી, એ આગ્યો બનીને વાડી વાડી ફરે, આગ્યો મતલબ જો રાત કો છોટા સા થાય છે આતા હે, હા જુગનું જુગનું, તો આગ્યો બનીને એ વાડી વાડી ફરે, એને ભેટવાની કોણ મના કરે, રાખ બની આગ્યો બનીને ફરે છે, એને કોઈ ભેટવાની મના કરતું નથી, તળાવના પાણી ધુમાડિયા રંગની પાંખો ફૂટી, તળાવના પાણીને ધુમાડિયા રંગની પાંખો ફૂટી અને વરાળ બની, તળાવના પાણી આસમાને ચડી વાદળ બની ફરે, એને ભેટવાની કોણ મના કરે, એને ભેટવાની કોણ મના કરે, મારા મનને વળી પાંખો ફૂટી, મારા મનને વળી પાંખો ફૂટી, થયું ઊંડાણમાં પી આવું, થયું ઊંડાણમાં પી આવું, માછલી બની હું નદી નદી ફરી, મને પાણીની ભેટ પેટવા મના કોણ કરે, મને પાણીને ભેટવા મના નહીં કોણ, થેન્ક યુ વેરી મચ।